हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं ये राजस्थान में बारिश के मौसम में ज़्यादा आती है तो उसके खाने से बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ये कैंसर से भी बच सकते हैं, किडनी स्टोन से भी बच सकते हैं और डायबिटीज़ के लिए भी बच सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बनाने के लिए सामान तैयार किया है। तो मैंने ग्रीन मिर्ची और लहसुन और नींबू का जूस बना के रेडी कर दिया है और मैंने एक पैन में रखा है 2 चम्मच तेल। हेलो गाइस, मैंने गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है ऊपर। 2 चम्मच तेल डाल के अब हम करेंगे फ्राई। तो फर्स्ट हमें क्या डालना है, ये जो हरी मिर्ची और लहसुन की पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे और गैस का फ्लेम कम कर देंगे। फिर हम डालेंगे ये हमें कम आँच में पकाना है और बार बार चेक करना है क्योंकि ये जल जाता है, और बिना पानी के पकाना है। और ये खाने में बहुत टेस्टी और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको साइड इफेक्ट से बचा सकता है, हीमोग्लोबिन भी अच्छा होता है और बीपी शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ऑनलाइन भी मिल सकता है। ये राजस्थान के फेमस डिश है। मेरी फैमिली ज़रा बड़ी है तो मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है। आधी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने ग्रीन मिर्च डाली है तो फिर ये लाल मिर्च कम यूज़ करनी है। फिर हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, फिर हम डालेंगे नमक। गाइस, फाइनली सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कलर भी बहुत अच्छा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करें और आपका सपोर्ट है ऐसे हमेशा बनाए रखें। और ये बीपी शुगर और सबसे टेंशन फ्री रखती है। ये कैंसर भी होता है तो उससे भी राहत मिलती है, उसका भी अच्छे से इलाज हो जाता है, बीपी शुगर का भी हो जाता है। और ऐसे भी ये सीजनेबल आती है, बिना सीजन के नहीं मिलती है। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो आप। और ये राजस्थान में सबसे बड़ी फेमस सब्ज़ी है, तो ये बारिश के मौसम में ही आती है, ऐसे बिना मौसम की नहीं आती है। और उसको दवाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती है, ऐसी अपने आप कुदरत से तैयार होती है। और इसको लंबा लंबा काट के मैंने फ्राई करके देख लिया। आप देख सकते हो सब्ज़ी दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, मेरे बेल आइकन को बेल घंटी बजाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका सपोर्ट हमेशा बना रखना। थैंक यू सो मच।